अगर आप YouTube पर काम करते हैं तो ऐसे में आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि कितने दिन बाद YouTube हमारे चैनल को बूस्ट करता है, कितने वीडियो अपलोड करने के बाद हमारा वीडियो वायरल होता है, और YouTube ने मेरे चैनल को कितने दिन बाद बूस्ट किया था जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो चुका है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं लेकिन मेरा चैनल ग्रो हो रहा है धीरे धीरे और डेली यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में सवाल आता है और मन में आपके सवाल भी होगा कि कितने दिन बाद आखिर हमारा चैनल ग्रो होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कितने दिन बाद आपका YouTube चैनल ग्रो होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पर YouTube आपके चैनल को तब यहाँ पर बूस्ट करता है जब आप अपने चैनल पर डेली यहाँ पर वीडियो को अपलोड करते हैं। तो अगर आप डेली वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तो YouTube आपके चैनल को बहुत देर से बूस्ट करेगा या बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ऐसे में हम क्या करें जिससे कि हमारा चैनल बहुत जल्दी बूस्ट कर दे YouTube। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा चैनल कितने दिन में यहाँ पर ग्रो हुआ है और मैं कितने दिनों से YouTube पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अलग अलग चैनल पर 3 साल मैंने काम किया है। वहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग से लेकर थंबनेल डिज़ाइन तक सारी चीज़ें सीख ली और इसके बाद मैंने अपना चैनल बनाया और 1 साल बाद ही मेरा चैनल यहाँ पर मोनेटाइज हो गया और मेरा फर्स्ट पेमेंट भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा YouTube चैनल कितने दिन में यहाँ पर बूस्ट हुआ था और YouTube ने कितने दिन बाद यहाँ पर प्रमोट किया। तो देखिए, मैं YouTube पर काम करना मैंने शुरू कर दिया था और क्योंकि मुझे थंबनेल बनाना आता था, वीडियो अपलोड करना भी आता था और यहाँ पर एडिटिंग भी मुझे आता था, तो यहाँ पर मैंने डेली अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया और टाइमिंग भी मेरा फिक्स था कि सुबह 7 बजे मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मैं करते गया, 6 महीने तक मैंने अपने चैनल पर वीडियोज़ को अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर 6 महीने बीतने के बाद क्या हुआ कि एक नया टॉपिक आया कि फैक्ट वीडियो किस तरीके से बनाएं, उसका यहाँ पर ट्रेंड चल रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक चल ही रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं भी इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, और मैंने उस पर वीडियो बना दिया। लेकिन उस पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आया, मतलब वही 10, 20, 50 वाले व्यूज़ आकर वहाँ पर स्टॉप हो गया। इसके बाद मैं डेली जैसे वीडियो बनाता था मैं बनाता गया, लेकिन अचानक से वो जो पीछे मैंने बनाया था फैक्ट वीडियो कैसे बनाएं, वो वीडियो मेरा वायरल हो गया। उस पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ चला गया और उससे ही मेरा जो क्राइटेरिया था वो सारा कम्प्लीट हो गया। तो कह सकते हैं कि जो 6 महीने बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ उसको ही YouTube ने बूस्ट किया था और उसके वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया और सारे क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए। तो अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपका चैनल कब ग्रो होगा। आप भी तो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं लेकिन आपका नहीं हो रहा है, आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 2-3 फैक्टर हैं जो कि मैटर करता है, आप उसे ध्यान में रखिएगा। पहला चीज़ कि आपको डेली एक वीडियो अपलोड करना है। अगर आप स्टार्टिंग में YouTube पर आ रहे हैं तो आपको डेली एक वीडियो अपलोड करना है एटलीस्ट। आपको अगर आप गैपिंग करते हैं तो आपका चैनल कभी भी यहाँ पर ग्रो नहीं होगा, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। क्यों, अब मैं आपको वो भी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, 2022 तक अगर आप YouTube को पार्ट टाइम लेकर चलते थे तब भी आपका चैनल यहाँ पर ग्रो हो जाता था, चांसेस होता था। लेकिन यहाँ पर 2023 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटर आ चुके हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ने के बाद क्या होता है कि अगर आप डेली वीडियो नहीं बनाते हैं, अगर आप YouTube को पार्ट टाइम लेकर चलेंगे तो आपका चैनल इस टाइम पर ग्रो कभी नहीं होगा। तो आपको इसे भी फुल टाइम करना होगा तब जाकर के आपका चैनल ग्रो होगा। इसके लिए आपको ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ना होगा। तो पहला चीज़ आपको यही करना है, इससे क्या होगा कि YouTube आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा और हो सकता है कि उसी में से आपका कोई वीडियो वायरल हो जाए और आपका सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि मिलियंस में चला जाए आपका कोई वीडियो, क्योंकि ट्रेंड को कोई नहीं जानता है कि कब आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक को हमेशा पकड़ कर ही चलना है। अगर यहाँ पर आपका एक न्यू चैनल है तो आपको डेली अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करना होगा। इससे क्या होगा कि YouTube आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा, सजेस्ट करेगा, तो लोग इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक को भी पकड़ना होगा और डेली वीडियोस को भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट आता है कि आपको हमेशा अपने वीडियो में कुछ ना कुछ सुधार करते रहना है।
अगर आपका ऑडियो ख़राब है तो आप उसे चेंज करिए, आप यहाँ पर माइक लेकर आइए और उसके बाद आप रिकॉर्ड करिए और अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ाते रहिए, अपने कंटेंट बनाने के तरीके को चेंज करते रहिए। जब तक आप यहाँ पर चेंजेस नहीं करेंगे तब तक आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगा। कुछ यहाँ पर आप अलग करेंगे तो ही जा करके आपका चैनल ग्रो होगा और वायरल होगा। अब यहाँ पर अगर मैं सीधे भाषा में आपको समझाऊँ तो YouTube आपके वीडियो को कब वायरल कर देगा किसी को नहीं पता है, तो आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहिए। हो सकता है कि मेरा चैनल 6 महीने बाद ग्रो हुआ था, आपका हो सकता है कि अगले महीने ही हो जाए, अगले दिन ही हो जाए, तो आपको हार नहीं मानना है। आपको बस अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहना है और अपने चैनल पर डेली मेहनत करके वीडियो अपलोड करते रहना है, क्योंकि जो चीज़ आपको जहाँ तक लेकर आया है उससे आगे आपको लेकर नहीं जाएगा, उससे आगे आपको सुधार करना होगा और वो चीज़ आपको उससे और आगे लेकर जाएगा। तो आपको सुधार करते रहना है अपने वीडियोज़ में। और यहाँ पर अगर आपसे कोई कहता है कि आपका चैनल इतने दिन में ग्रो हो जाएगा, तो मैं अगर सच बताऊँ तो उसे भी नहीं पता होता है कि उसका चैनल कितने दिन में ग्रो होगा। मुझे खुद नहीं पता था, तो यहाँ पर कोई भी डिसाइड नहीं होता है, YouTube किसी को बताता नहीं है, आपको मेहनत करते रहना है। हो सकता है कोई आपका वीडियो वायरल हो जाए और आपका चैनल ग्रो हो जाए। तो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए और फोकस पूरा वीडियो पर कीजिए, सुधार कीजिए, एडिटिंग में सुधार लाइए, ग्रो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और हार बार बार मत मना करिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कब यहाँ पर ग्रो होता है आपका चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, वही रेड कलर बटन जो है उसे ही प्रेस करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।